खेती के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो ईमू पालन कर रहे हैं और ईमू पालन बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सोनीपत हरियाणा के अंदर युवा हैं किसान और उनसे बहुत से ऐसे किसान जो प्रेरणा लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए, अंडों का वितरण कैसे करना चाहिए, हैचरिंग कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से वो फार्मिंग कर रहे हैं, आइए इस विषय पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। हमने पीछे 2-2.5 महीने पहले अपने किसानों की जानकारी के लिए ईमू पे कई फार्म आपको दिखाए, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, और उनमें कोशिश ये की कि ये पक्षी कैसा है, कहाँ से आया, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं और इसके पालन पोषण में आपको क्या कुछ करना है और पालन के बाद आपको क्या लाभ होगा, ये बताने की कोशिश की। आज हम हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव भैंसवाल से बोल रहे हैं और यहाँ एक ऐसे ही नवयुवक किसान हैं जो नौकरी को छोड़ कर और ईमू पालन का काम शुरू किया है। आइए उन्हीं से बातचीत करें और उनके अनुभव जानें। रविंदर जी, आपके मन में कैसे ये प्रेरणा जगी कि मैं ईमू पालन का काम शुरू करूं और थोड़े दिन में नौकरी से इस्तीफा तो नहीं कहूंगा लेकिन उससे थोड़ा दूर रहकर ये देखूं क्या इसमें कितना लाभ मिलता है, तो कहाँ से सीखा, कहाँ मन में आई? सबसे पहले तो मैंने इसे कृषि दर्शन पर ही देखा था। अच्छा। उसके बाद मैंने और जानकारियां इकट्ठी करने के लिए बहुत सारे फार्म भी देखे हैं और इंटरनेट पर भी बहुत सारा सर्च किया है। मैंने इसके बहुत सारे गुण देखे जो कम लागत का और अच्छे पैसे का धंधा है। ये इससे कोई भी किसान आराम से बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लागत बहुत कम है, तो इतनी कम लागत पे और धंधे करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और बीमारियां भी ज्यादा आती है, उसकी अपेक्षा इस पक्षी को ना तो कोई बीमारी लगती है ना इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इस पक्षी का जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, सिर्फ उसी के ज्यादा पैसे हैं, बाकी किसी चीज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है ही नहीं। जी आपने कहा कृषि दर्शन में देखा, वैसे ही हमें खुश करने के लिए कह रहे हो, वाकई देखा था? नहीं जी, वाकई नहीं देखा है, उसके बाद ही प्रेरणा मिली है वहीं से। हम ये जो पक्षी आप लाए, कहाँ से लाए, कितनी उम्र के लाए और कितने पैसे में जोड़ा मिल गया? सर मैं ये महाराष्ट्र से लेके आया हूँ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लिए हैं ये और खुद जाके पहले बहुत सारा वहाँ भी देखे हैं, उसके बाद हमने ये वहाँ खरीदे। हमें ये 25,000 में एक जोड़ा मिला है, इसकी जोड़े की कीमत होती है और ये तीसरी बार अंडे देगा अब हमारे पास, दे रहा है बल्कि अंडे, ये अंडे भी रखे हैं आपके सामने, ये अंडे दे रहा है। तो बाकी लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो रेट में फर्क था, इसलिए हमने वहीं से खरीदना इसको ज्यादा बेहतर समझा। इससे पहले जैसे आपने कहा फार्म देखे, कहीं प्रशिक्षण भी लिया फार्म पर? देखे ही देखे जी, प्रशिक्षण कोई नहीं लिया था। इस पक्षी की क्या आवश्यकताएं हैं मोटे तौर पर, खान पीन के लिए, मौसम के हिसाब से और दूसरी बीमारी वगैरह, जैसे मुर्गियों का आपने जिक्र किया, तो इसमें भी कोई आपका अनुभव क्या कहता, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती? नहीं जी, अभी तक हमें कोई बीमारी नहीं दिखाई दी इसमें। जब हमने औरों के फार्म देखे उनमें भी कोई बीमारी नहीं है। ये जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है 1 हफ्ते तक का, तभी इसमें कोई छोटी मोटी बीमारी आती है, इसके पैर थोड़े से मुड़ जाते हैं और वो भी अगर देखभाल करो तो खत्म हो जाती है, उसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ी सी देखभाल पे ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती है और इसमें कोई बीमारी है नहीं। और जहां तक बात इसके रख रखाव की है, इसको तो एक बच्चा भी संभाल सकता है, कोई बुजुर्ग भी संभाल सकता है। तो आपके हिसाब से एक औसतन एक जोड़ा है या एक पक्षी है, उसको कितना दाना चाहिए और कहाँ से लाते हैं, पानी एक दफा दिया बहुत है या कई बार इनके सामने ही रखना पड़ता है, इसमें क्या करना चाहिए? पानी का तो जी हम भर के रख देते हैं, पानी साफ पानी रखते हैं। रोज बदलते हैं? नहीं जी, 2-3 दिन में बदल देते हैं और अगर खराब हो जाए तो दूसरे दिन भी बदल देना चाहिए, वो आपके वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है, अगर उसमें कुछ गिर रहा है तो साफ सफाई जरूरी है और वो सफाई रखनी तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो तो किसी भी चीज में हो सफाई तो रखनी ही चाहिए। और जहाँ तक बात फीड की है, वैसे तो सब कुछ ही खा लेते हैं, हरा चारा भी खा लेते हैं, बाजरा भी खा लेते हैं, मिट्टी भी खा लेते हैं, यहाँ तक कि कीड़े भी खा लेते हैं ये तो। और दूसरा कई कंपनियां हैं जैसे वेंकीज है, इनका फीड भी काफी बेहतर है, इनके फीड के साथ जो प्रोटीन कैल्शियम इनको चाहिए वो सारी चीजें मिल जाती है,
तो इनकी हमारी अभी तक 250 से 300 ग्राम एक पक्षी की एक दिन की औसत आई है फीड की। मेरे मन में एक बात आती है, आपके पास 10-15 जोड़े जो भी हैं, इतने में शायद रखना रंडों का कहीं बच्चा निकलवाना ये महंगा नहीं पड़ता क्या? है इसमें क्या हिसाब है, किसके पास अंडे भेजते हैं आप? खुद तो निकाल नहीं सकते ठीक है अंडे? अंडे का तो ये है कि बहुत सारी हैचरी हैं, यहाँ हमारे नांगलोई में भी हैचरी है जिनके हम अंडे दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि अंडे से और इससे कितनी आमदनी होगी, ये आमदनी तो जी बहुत ही ठीक है, पहले साल में ये अपनी कीमत पूरी कर देगा हमें उम्मीद है, और आगे हम भी सोच रहे हैं कि इसको और बढ़ाएं। उस टाइम बढ़ाने के बाद ये अपनी पूरी कीमत के साथ साथ, जैसे मैं नौकरी कर रहा था उससे ज्यादा भी हो सकता है हमें मुनाफा मिल जाएगा। कब बढ़ाने की सोच रहे हैं, कितने स्केल पे ले जाएंगे बढ़ाके? अभी तो जी इसका सीजन चल रहा है, इसके सीजन के बाद जैसे नए छोटे बच्चे आएंगे उनको और बड़े पक्षी भी लेके आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना फार्म में हम छोटे बड़े मिला के 400-500 जोड़े कर ले ताकि हमें सारा फायदा हो। रविंदर जी अब पूछ लेते हैं हैचरी के बारे में और उनकी क्या क्या आवश्यकता है।